लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सबके मिटाए कष्ट कलेश ईश्वर है सत्य यही है ये सनातन नित्य यही है ज्ञानेश्वर है सत्य यही है ये सनातन नित्य यही है समय की सीमा श्री गणेश है अंत आरंभ व मध्य यही है भक्ति किए देते शक्ति भय बंधन से देते मुक्ति भक्ति किए देते शक्ति भय बंधन से देते मुक्ति निराकार साकार यही है हर युग का आधार यही है प्रमाण देने वाली भक्ति हूँ मैं मानव को सत्कर्मी बनाने वाली पूजा हूँ द्वितीय संसार के पहले दैत्य वज्रांग को जन्म देकर उसे ब्रह्मदेव से अमरता एवं स्वर्ग सिंहासन प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है देवर्षि नारद से ये समाचार सुनकर देवराज इंद्र चिंतित हो जाते हैं श्री महागणेश की कृपा से देवी सरस्वती और देवी लक्ष्मी संसार पर कृपा करने के लिए उत्पन्न होती है देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु के सम्मुख वैकुंठ में प्रकट होती है Thank you.
जगत पालक जगदीश्वर भगवान श्री हरि विष्णु, मैं आपकी चिर जीवन संगनी सागर कन्या महालक्ष्मी आपकी चरण सेवा में उपस्थित हूं। हे करुणा के सागर श्री हरि, तनिक अपने कमल नैनों को कष्ट दें और इस चरणदासी पर अपनी कृपा करें। धन संपदा वैभव तथा श्री की अधिष्ठात्री देवी महालक्ष्मी पधारें, आपका बैकुंठ में स्वागत है। सत्य तो ये है देवी महालक्ष्मी कि आपकी कृपा के अभाव में जगत पालन का हमारा निर्धारित कार्य सुचारू रूप से नहीं चल रहा था। आपको पाकर अब हम पूर्ण हुए हैं। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। तो मैं हुई हूँ स्वामी। हम दोनों ही पूर्ण हुए देवी लक्ष्मी, पधारें। हम दोनों मिलकर सृष्टि पालन के पावन कार्य में अपना योगदान दें। रचनाकार ब्रह्मदेव, मैं ज्ञान विज्ञान विद्या और कला की अधिष्ठात्री सरस्वती हूं। स्वामी, मैं परम देव श्री महागणेश की इच्छा अनुसार आपके श्रीमुख द्वारा प्रकट हुई हूं। आपके दिव्य प्राकट्य से ये ब्रह्मलोक ही नहीं, अभी तो ये संसार ही संगीत में हो गया है। देवी, ज्ञान विज्ञान कला और संस्कृति के बिना मानव जीवन पशु के समान था, किंतु अब आपके आगमन के पश्चात मानवीय मूल्यों का पूर्ण विकास होगा। स्वामी, मुझे अपनी सहभागिनी सहयोगिनी बनने की आज्ञा प्रदान करें, जिससे मैं आपकी अपेक्षा अनुसार सृष्टि के कार्यों में आपको सहयोग दे सकूं। परम देव श्री महागणेश की प्रेरणा तथा इच्छा से तुम हमारे शरीर से प्रकट हुई हो। वास्तव में तुमने प्रकट होकर हमारा अकेलापन दूर कर दिया है। तुम्हें पाकर हम धन्य हैं देवी। अब अपना आसन ग्रहण करें। सृष्टि के रचनाकार
ब्रह्मदेव का साथ पाकर वास्तव में धन्य तो मैं हुई हूँ स्वामी। सत्य तो ये है देवी सरस्वती कि हम दोनों ही एक दूसरे को पाकर धन्य हैं। सृष्टि रचना के कार्यों में अब हमें आपका सहयोग मिलने के साथ संसार को अपने विचारों की अभिव्यक्ति का नया माध्यम मिलेगा। अर्थात भाषा को माध्यम बनाकर अपने विचारों को प्रकट करने वाला मानव आज के पश्चात कला और संस्कृति को भी अपने विचारों को प्रकट करने का माध्यम बनाएगा। वीणा को धारण करने के कारण आपको ये संसार वीणा पाणी कहेगा। वाणी की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण आपका वाग्देवी नाम सार्थक होगा। आपकी उपस्थिति से ब्रह्मलोक का वातावरण संगीतमय हो गया है। इससे सृष्टि रचना का कार्य अधिक सुगम हो गया है। नारायण नारायण। देवी सरस्वती, ये भगवत भक्ति का प्रचार करने वाले परम नारायण भक्त और हमारे मानस पुत्र देवर्षि नारद, और आप स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र। नारद आज्ञा करें परम पिता। देवी सरस्वती ज्ञान विज्ञान विद्या और कला की अधिष्ठात्री देवी है एवं तुम्हारे लिए माता के समान है। तुम्हारी ये वीणा इन्हीं के प्रकट ना होने के कारण ही अब तक मौन थी, अब ये मुखरित हो उठेगी। हमें आप दोनों के ब्रह्मलोक आने का उद्देश्य ज्ञात है। देवराज, देवताओं के ऋषि नारद की सूचना तथा ज्ञान पर संदेह प्रकट करना अनुचित है। मैं क्षमा प्रार्थी हूं परमपिता, किंतु क्या देवराज, दिति पुत्र वज्रांग की तपस्या से भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं। अर्थात आप उसे वरदान देने नहीं जाएंगे? एक तपस्वी को उसकी तपस्या का प्रतिफल अर्थात वरदान देना हमारा परम पावन कर्तव्य है। नारायण नारायण। अपनी बात तनिक स्पष्ट करें परमपिता। नारद, वज्रांग हमसे वरदान प्राप्त कर अपनी माता की महत्वाकांक्षा पूर्ण करने के लिए स्वर्ग पर भी आक्रमण करेगा, किंतु किंतु क्या परमपिता? यदि तुम लोग बुद्धि और विवेक से कार्य करोगे तो वज्रांग के स्वर्ग अभियान का परिणाम भयानक नहीं होगा। तुम दोनों में पर्याप्त बुद्धि और विवेक है। इस संकट से मुक्ति प्राप्त करने के लिए तुम अपनी माता वाग देवी की आराधना करो, वे अवश्य तुम पर कृपा करेंगी। माँ, कहने की आवश्यकता नहीं है देवराज, मेरी कृपा आपके साथ है। किंतु इस वज्रांग रूपी संकट पर विजय पाने के लिए आपको बुद्धि के साथ ही साथ युक्ति की भी आवश्यकता होगी। आप अपनी योजना पर विचार करें, समय आने पर आपको मेरा मार्गदर्शन अवश्य ही प्राप्त होगा। मैं धन्य हुआ, आपकी कृपा पाकर मैं धन्य हुआ माता। नारायण नारायण। परमपिता, मुझे परमदेव श्री महागणेश के साथ साथ शक्ति माता के दर्शन भी प्राप्त हुए। मैं आपसे यह जानने का इच्छुक हूं कि क्या शक्ति माता के नूतन अवतार का समय आ गया है? नारद, तुम्हारे लिए इस संसार के किसी भी लोक का द्वार बंद नहीं है। तुम्हें यह प्रश्न शक्ति के स्वामी कैलाशपति भगवान सदाशिव से पूछना चाहिए। Thank you.
शिवाय नित्याय सत्याय शाश्वत तमाय च अद्वैताय अनंताय अचिंत्य मूर्तये नमो नमः। शक्ति स्वामी महादेव शिव, आप अपनी शिवा को यूं एकटक मौन क्यों देख रहे हैं? मैं आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा में यहाँ खड़ी हूँ। कैसी आज्ञा देवी? हे सर्वशक्तिमान, क्या इस संसार का कोई भी रहस्य आपसे छुपा है? मैं पुनः नारी रूप में जन्म लेने की इच्छुक हूँ, जिससे आपकी सहचरी बनकर अपनी अतृप्त मात्र कामना को तृप्त कर सकूं। देवी शक्ति, तुम्हारे सती रूप के त्याग के पश्चात योग और वैराग्य ही हमारे चिर सहचर बन गए थे। योग और वैराग्य तो कल्याण रूपी शिव के स्वरूप है महादेव। इसी कारण इस समय हम अपने योग और वैराग्य में किसी भी प्रकार की बाधा के इच्छुक नहीं हैं। महादेव, क्या प्रथम पूज्य परम देव श्री महागणेश के वचनों की सत्यता संदिग्ध है? असंभव। परम देव श्री महागणेश का वचन सत्यता का प्रमाण है। किंतु उन्होंने मुझे मेरे नारी रूप में मेरे पुत्र के रूप में अवतार धारण करने का वचन दिया है। देवी शक्ति, परम देव श्री महागणेश के वचन को समय की निर्धारित सीमा में बांधा नहीं जा सकता। उसकी पूर्णता के लिए हमें प्रतीक्षा करनी होगी। ओम ब्रह्मणे नमः। 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 मुझे वरदान प्रदान करें परमपिता। ओम ब्रह्मणे नमः। मेरी मनोकामनाएं पूर्ण करें परमपिता। ओम ब्रह्मणे नमः। इस प्रकार मेरी उपेक्षा ना करें परमपिता। ओम ब्रह्मणे नमः। पुत्र वज्रांग, पुत्र वज्रांग।
हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, अपना इच्छित वरदान मांगो। हे परमपिता, मैंने अपनी माता दिति के आग्रह पर आपकी आराधना सहित कठोर तपस्या की है। आप मुझे वही वरदान प्रदान करें जिससे मेरी माता संतुष्ट हो। तुम्हारी माता दिति हमारी भी पौत्री है वज्रांग, किंतु वो द्वेष और ईर्ष्या से प्रेरित होकर स्वर्ग पर तुम्हारा अधिकार स्थापित करने की इच्छुक है। उसकी इच्छा है अदिति पुत्र इंद्र स्वर्ग से पतित हो। हाँ परम पिता, मेरी तपस्या का यही उद्देश्य था। किंतु हम किसी को कष्ट देने का वरदान नहीं दे सकते। यदि तुम्हारे मन में कोई दुर्भावना हो तो हम तुम्हें कदापि वरदान प्रदान नहीं करेंगे। तो क्या आप मेरी तपस्या की उपेक्षा करेंगे? यदि तुम्हारी दुर्भावना प्रकट हुई तो ऐसा करने को हम विवश होंगे दिति पुत्र वज्रांग, किंतु जन्म से लेकर अभी तक तुमने सद्भावना का परिचय दिया है, इस कारण तुम हमसे अतुल बल और इच्छा अनुसार दैत्य सेना प्रकट करने का वरदान प्राप्त कर सकते हो। हाँ परम पिता, मैं अपनी माता दिति के आदेशानुसार अमरता का वरदान पाने का इच्छुक हूँ। असंभव, मृत्यु प्राणी लोक का अटल नियम है। हम तुम्हें अमरता का वरदान कदापि प्रदान नहीं कर सकते। फिर जो आपकी इच्छा हो परमपिता, मुझे वही वरदान प्रदान करें। हम तुम्हें अतुल बल और इच्छा अनुसार दैत्य सेना प्रकट करने का वरदान प्रदान करते हैं। तथास्तु। मैं तुम्हारी आराधना के स्वर श्री महागणेश तक पहुंचाने वाली भक्ति हूँ। मैं तुम्हारी आराधना को स्वर प्रदान करने वाली पूजा हूँ। देवी लक्ष्मी एवं देवी सरस्वती क्रमशः बैकुंठ और ब्रह्मलोक में प्रकट होती हैं। माता शक्ति पुत्र प्राप्ति की अपनी अपूर्ण इच्छा श्री महागणेश के सम्मुख प्रकट करती है। दिति की आज्ञा से वज्रांग स्वर्ग पर आक्रमण करता है। अब तक तो मेरी पुत्र वज्रांग की तपस्या पूर्ण हो जानी चाहिए थी। क्या ब्रह्मदेव मेरे पुत्र की उपेक्षा कर रहे हैं? नहीं नहीं, क्या दुष्ट देवताओं की षड्यंत्र में ब्रह्मदेव भी फंस गए? पुत्र वज्रांग। प्रणाम माता श्री, आपकी आज्ञा अनुसार मैं ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त करके लौट आया हूँ। किंतु वरदान प्राप्त कर तुम यहाँ क्यों चले आए वज्रांग? आपका आशीर्वाद लेने माता। मेरा आशीर्वाद तुम्हें उस दिन प्राप्त होगा जिस दिन तुम उस भीरू इंद्र को स्वर्ग से पतित कर स्वयं स्वर्गाधिपति बन जाओगे। क्षमा प्रार्थी हूँ माता, मैंने ब्रह्मदेव से इंद्र को स्वर्ग से पतित करने का वरदान प्राप्त नहीं किया है तो मैं स्वर्ग पे आक्रमण कैसे कर सकता हूँ? तो कैसा वरदान प्राप्त किया है तुमने वज्रांग? अतुल बल
और इच्छा अनुसार दैत्य सेना प्रकट करने का वरदान प्राप्त किया है मैंने। मूर्ख, तुमने दिव्य शक्ति से पूर्ण वरदान प्राप्त किया है। ये वरदान उस निर्बल और भीरु इंद्र को स्वर्ग से पतित करने में सक्षम है। अर्थात? अर्थात स्वर्ग तुम्हारा है, तुम स्वर्गाधिपति बनोगे। अपनी इच्छा अनुसार दैत्य सेना को प्रकट कर स्वर्ग पर आक्रमण करो और मेरी इच्छा पूर्ण करो। जाओ। जो आज्ञा माता। असंख्य दैत्य वीरों प्रकट हो। वरदानी वीर दैत्यराज बजरंग की जय। वरदानी वीर दैत्यराज बजरंग की जय। मेरी एकमात्र इच्छा पर प्रकट होने वाले दैत्य वीरों आगे बढ़ो और स्वर्ग पर अपना अधिकार कर लो। वरदानी वीर दैत्यराज बजरंग की जय। 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 पुत्र वज्रांग का ये दुस्साहस, हमें इसको इसकी दुष्टता का दंड देना ही होगा। हाँ, ऐसा भयानक दंड की भविष्य में कोई अन्य असुर स्वर्ग की ओर देखने का दुस्साहस भी ना कर सके। वरदानी वीर दैत्यराज वज्रांग की ठहरो। देवगणों, शक्ति के साथ साथ युक्ति का भी प्रयोग करना सीखो। हमें स्वर्ग को युद्ध स्थल नहीं बनाना है। वज्रांग का स्वर्ग द्वार पर भव्य स्वागत करो और उसे आदर सहित स्वर्ग राज सभा में लेकर आओ। चकित ना हो देवताओं, इस युक्ति की प्रेरणा हमें वाग देवी मां सरस्वती की कृपा से ही प्राप्त हुई है। वरदानी वीर दैत्यराज वज्रांग की जय। वरदानी वीर दैत्यराज वज्रांग की जय। वरदानी वीर दैत्यराज वज्रांग की जय। वज्रांग का स्वर्ग लोक में स्वागत है। पधारिए महाबली। नीति पुत्र वज्रांग की जय। 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 नीति पुत्र महाबली वज्रांग की जय। पधारे महाबली दैत्यराज वज्रांग, आपका स्वर्ग में स्वागत है। मैं यहाँ पधारने नहीं, शक्ति प्रदर्शन द्वारा स्वर्ग पर अधिकार करने आया था, किंतु आप लोगों का व्यवहार देखकर मैं चकित हूँ। यदि आप हमारे शत्रु होते तो हमारा व्यवहार ऐसा ना होता।
आप हमारे शत्रु नहीं, आप हमारे भ्राता हो। आपकी माता हमारे माता समान है और हम दोनों के पिता ऋषि कश्यप हैं। भाई भाई में ये वैर भाव अनुचित है। जिस तरह ये स्वर्ग लोक इनका है, वैसे ये आपका भी है देवर जी। और हमारी इच्छा के अनुसार आप हमारे साथ स्वर्ग सिंहासन पर विराजमान हुई। भ्राता इंद्र, आपका हार्दिक स्वागत देखकर हमारा हृदय हर्ष से गदगद हो रहा है। समझ में नहीं आता कि माता दीदी के तुम्हारे प्रति द्वेष का कारण क्या है। वे तुम्हें स्वर्ग से पतित करवाने की इच्छुक क्यों हैं? आप मेरे भ्राता हो वज्रांग, जब तक आपकी इच्छा है तब तक स्वर्ग के ऐश्वर्य का सुख भोग करो। दैत्यवीरों, हम देवराज इंद्र के प्रेम पूर्ण व्यवहार से मंत्रमुग्ध हैं। आप सब देवराज इंद्र और हमारी भावस देवी शची की जय जयकार करें। देवराज इंद्र एवं देवी शची की जय। दैत्यराज वज्रांग, देवराज इंद्र एवं देवी शची की जय। नारायण नारायण। देवराज एवं दैत्यराज, आज रक्तपात के स्थान पर आप दोनों की मित्रता को देखकर मेरा मन अत्यंत प्रसन्न हुआ। प्रणाम देवर्षि। आपका कल्याण। इस शुभ प्रयास को सफल होते देख मैं ये विश्वास पूर्वक कह सकता हूँ कि माँ बार देवी सरस्वती के प्राकट्य के साथ ही विचार और परिवर्तन की क्रांति भी प्रारंभ हो गई है। नारायण नारायण। मैं कुछ समझा नहीं देवर्षि। देवराज, इसमें ना समझने जैसा कुछ भी नहीं है। आज देव और दानव के मध्य मित्रता का कारण विचार और परिवर्तन की क्रांति ही है। अर्थात? दैत्यराज, जिस प्रकार हर बीज के भीतर एक विशाल वृक्ष छिपा रहता है, उसी प्रकार हर क्रांति के भीतर एक असीम शांति छिपी रहती है। और यह शांति हिंसा, रक्तपात एवं प्रतिशोध से नहीं, अपितु विचारों के आदान प्रदान एवं माँ सरस्वती की कृपा से ही संभव है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आज हम देख रहे हैं। हमें ऐसा भी आशीर्वाद दें देवर्षि कि हमारी मित्रता, हमारे संबंध स्थायी रहें। दो परस्पर विरोधी शक्तियां परम मित्र बनकर विश्व बंधुत्व और मानव कल्याण का कार्य करें। नारायण नारायण। अति उत्तम विचार है। परम देव श्री महागणेश की कृपा से इस संसार में एक ना एक दिन ऐसा अवश्य आएगा, बस आप दोनों परस्पर मित्र बनकर अपने अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह करते रहे। नारायण नारायण। ओम महागणेशाय नमः स्वाहा। ओम महागणेशाय नमः स्वाहा। ओम महागणेशाय नमः स्वाहा। ज्ञान का भ्रम करने वाले ऋषिवर, क्या आपको इस सत्य का ज्ञान नहीं कि इस संसार का सुख भोग वीर और बाहुबली ही करते हैं? क्या कहने को इच्छुक हो तुम दीदी? यही कि श्री महागणेश की आराधना से अदिति पुत्र इंद्र पर आया मेरे पुत्र वज्रांग का भयानक संकट चल नहीं सकता। इंद्र स्वर्ग से पतित होगा और पृथ्वी पर अनाथ निराश्रितों की भांति द्वार द्वार भटकेगा। मेरे ज्ञान पर आरोप लगाने वाली दीति, संभवतः तुम्हें इस बात का ज्ञान नहीं है कि श्री महागणेश की आराधना करने से भयंकर संकट समाप्त हो जाते हैं, असाध्य कष्टों से मुक्ति मिलती है। जाने देना स्वामी। तुम बीच में बोलकर मुझे उत्तेजित करने का साहस न करो अदिति, अन्यथा परिणाम न तुम्हारे हित में होगा और न ही तुम्हारे पुत्र के। नारायण नारायण। देवी दीदी, अब तो परिणाम शुभ ही शुभ होगा। अर्थात? अर्थात का सत्य संभवतः आप सुन न सके देवी दीदी। नारायण नारायण। क्योंकि ये आपको और आपकी महत्वाकांक्षा को भयानक पीड़ा पहुंचा सकता है।
नारायण नारायण। भूमिका बनाकर हमारा समय नष्ट न करें देवर्षि। जो कुछ भी कहना है शीघ्र और स्पष्ट कहें। ठीक है तो मैं स्पष्ट कह देता हूँ। स्पष्ट ये है देवी दिति कि देवी अदिति का पुत्र इंद्र और आपका पुत्र वज्रांग दोनों बंधु भाव से गले मिलकर एक साथ स्वर्ग के सिंहासन पर बैठे हैं। ये सत्य नहीं हो सकता देवर्षि। देवर्षि नारद का कथन सत्य का प्रमाण माना जाता है दीदी। देवी दीदी श्री महागणेश आपका कल्याण करे किंतु आपकी महत्वाकांक्षा ध्वस्त हो चुकी है क्योंकि वज्रांग की स्वर्ग पर अधिकार करने और देवराज इंद्र को पतित करने की तनिक भी इच्छा नहीं है। नारायण नारायण। यदि आपका कथन असत्य हुआ देवर्षि तो मेरे पिता दक्ष प्रजापति के श्राप के पश्चात आपको मेरे श्राप का भी कष्ट भोगना होगा। गंग 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 गंग। देवी दीदी क्या आप इतना भी नहीं जानती कि मेरे आराध्य भगवान विष्णु की इच्छा के बिना कोई शाप मुझे स्पर्श भी नहीं कर सकता। यह दक्ष का शाप मेरे लिए कष्ट नहीं वरदान था। उसी शाप के कारण तो मेरा चित्त कभी प्रभु दर्शनों से शांत नहीं होता और मेरे मन की अशांति मुझे बार बार प्रभु चरणों के समीप ले जाती है। नारायण नारायण। आप दीति की बातों का अन्यथा न ले देवर्षि नारद। अपनी बहन के प्रति इसके भीतर न जाने कौन सा प्रतिशोध है। मेरे भीतर आपके व्यवहार का प्रतिशोध भरा है। जो सम्मान और जो स्थान मुझे प्राप्त होना चाहिए था वो आपने इस अदिति को प्रदान किया है। आपका व्यवहार उस सम्मान योग्य ही कहा है। क्या कहा आपने। नारायण नारायण। यही कि आप अपनी बहन अदिति के पुत्र इंद्र से अकारण जो द्वेष रखने की भयानक भूल कर रही हैं, उसका सुधार आपका पुत्र वज्रांग कर रहा है। ऋषिवर। आज्ञा देवर्षि नारद कहे। ऋषिवर वज्रांग और देवराज इंद्र की मित्रता का शुभ संदेश देने का मेरा कार्य पूर्ण हुआ। अब मैं प्रस्थान करता हूँ। नारायण नारायण नारायण। वज्रांग ने भीरू इंद्र के साथ मित्रता करने की दुष्टता की होगी तो मैं उसे अपने पुत्र के अधिकारों से वंचित कर दूंगी। देवताओं के षड्यंत्र का भयानक परिणाम होगा। देव दानव की मित्रता स्थायी नहीं होगी। देवता पराजित होंगे। इंद्र स्वर्ग से पतित होगा। ये दीदी की प्रतिज्ञा है। प्रतिज्ञा। कृपा करें श्री महागणेश। कृपा करें परम देव श्री महागणेश दिति को सुबुद्धि दे उसे ज्ञान दे कि प्रतिशोध की भावना स्वयं को ही समाप्त कर देती है। ब्रह्मदेव ब्रह्मदेव सृष्टि रचना के कार्य में लगे अपने मन को तनिक विश्राम दे स्वामी और तनिक मेरी जिज्ञासा का भी समाधान करें। देवी सरस्वती आपकी समस्या क्या हमारे सृष्टि कार्य से संबंधित है। हाँ स्वामी दक्ष पुत्री दीति अपने पुत्र वज्रांग से निराश होकर दैत्य वंश के उत्थान के लिए अब क्या करेगी। तुम तो भली भांति जानती हो देवी सरस्वती कि हमारी पौत्री दीति भी अपने पिता दक्ष के समान भयानक अहंकारिणी है।
और अहंकार सर्वनाश के बिना पराजय स्वीकार नहीं करता। किंतु स्वामी, सर्वनाश तो तभी होता है जब अहंकार चरम सीमा तक पहुंच जाए। तुमने सत्य कहा देवी, पूर्व निश्चित विधि के विधान के अनुसार दैत्य वंश का उत्थान सुनिश्चित है, किंतु दक्ष पुत्री दिति की कुप्रेरणा पाकर वो सर्वनाश की सीमा तक अवश्य पहुंचेगा। सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मदेव, ऐसी स्थिति में तो स्वयं आपको दैत्य जाति के उत्थान को रोक देना ही उचित होगा। नहीं देवी सरस्वती, पूर्व निश्चित विधान को रोकना उचित नहीं होगा, और दैत्यों के उत्थान का अर्थ संसार का सर्वनाश नहीं होता, अपितु मोह माया, मद लोभ, अहंकार और अधर्म की पराजय से धर्म की संस्थापना होती है। सत्य स्वामी, धर्म की स्थापना के लिए विधियों को ऐसी अनेक लीलाओं का निमित्त बनना पड़ता है। हाँ देवी, इस कारण दक्ष पुत्री दिति के कार्यों पर दृष्टि रखो, किंतु चिंतित न हो। अर्थ समर्थ ये इनसे जीवन, यही है कर्ता यही है कारण। अर्थ समर्थ ये इनसे जीवन, यही है कर्ता यही है कारण। सारे जगत के भाग्य विधाता, दुख हरता ये है सुखदाता। श्री गणेश, श्री गणेश।